सामने डोंगरी का राजा आप लोग जैसे कि देख सकते हो। Hey guys, welcome to my new vlog। और guys, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और प्यारे से फ्रेश व्लॉग में। और आज के व्लॉग में हम आ गए फिर से सैंडर्स रोड। और आज के व्लॉग में मैं आपको डोंगरी का राजा दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं मुझे वो पता नहीं है, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जितनी बड़ी बड़ी गणपति की मूर्ति है ना, और जो बहुत नाम होता है जिस गणपति का, वो सब वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, ताकि आप लोग अगर किसी को देखना हो ना सब जगह के गणपति, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके ना वो सभी वीडियोस आराम से देख सकते हो। तो आज फाइनली मैं आ चुका हूँ डोंगरी के राजा के वहाँ पे। तो आज डोंगरी का राजा के वहाँ का एक्सप्लोर करता हूँ। बाप्पा अंदर बन रही है, बन के नहीं आती, जहाँ पे मूर्ति है वहीं पे बनती है डोंगरी का राजा। लालबाग जैसा ही सिस्टम है यहाँ पे भी। तो अभी फिलहाल अंदर यहाँ पे जो है डोंगरी का राजा जो है वो अंदर बन रहा है। मैंने मूर्ति देखी है, अब वहाँ पे जाके देखता हूँ कि वीडियो अंदर थोड़ा बहुत दिखाना भी अलाउ होगा, तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँ। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं हर ब्लॉग में जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैंने परमिशन भी लिया है और फाइनली मुझे वीडियो बनाने के लिए भी ओके कर दिया है। हम देखते हैं कि वहाँ पे जाके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर दिखाने मिल गया कि अंदर डोंगरी का राजा कितना बन चुका है, कितना नहीं बना है, तो मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहले तो हम जाते हैं वहाँ पे एंड आपको वहाँ पे जितना कुछ है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। चलो पहले जाते हैं, आपको दिखाते हैं। फाइनली आप लोग देख सकते हो हम लोग हैं सैंडर्स रोड में, और ये लोकेशन है सामने जो आप देख रहे हो, ये डोंगरी का राजा है। और इसके अंदर जो है डोंगरी का राजा का गणपति बन रहा है। अभी वहाँ के अंदर गणपति तो बनना स्टार्ट हो गई है, बट अभी जितना हमने परमिशन लिया था वही हिसाब से बोला है कि अंदर अभी वर्क चल रही है, तो आप लोग अंदर जा नहीं सकते। तो जितना है हम बाहर से दिखाते, ये इतना ही कुछ डेकोरेशन है। इसके अंदर जो है डोंगरी का राजा बन रहा है, अंदर है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे जो है डोंगरी का राजा का मूर्ति जो अंदर सेटअप चल रहा है। तो मैं पहले वहाँ पे बात करके आता हूँ कि थोड़ा बहुत अलाउड है क्या दिखाने का। तो मैं वहाँ पे जो मंदिर आदमी है उनसे पहले पूछ लेता हूँ कि थोड़ा बहुत अलाउड है कि नहीं। आपके सामने कैमरा ऑन रख रहा हूँ मैं, मामा थोड़ा दाखू सकते हो। तो फाइनली हमको बोल भी दिया दिखाने के लिए। और ये सामने डोंगरी का राजा आप लोग जैसे कि देख सकते हो, यहाँ से भी दिखा दो आप लोगों को। गाइस जैसे आप लोग देख सकते हो हम लोग डोंगरी के राजा के वहाँ पे, और यहाँ पे गणपति का जो मूर्ति है उसका कवर अप चल रहा है। चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड देन फाइनली हम लोग डोंगरी के राजा के वहाँ पे, मुझे लगा कि पहले परमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन सर ने हमें परमिशन दिया। एंड देन अभी फिलहाल यहाँ पे कवर अप कर रहे, तो इसके लिए काम करके चालू, अच्छे से गणपति दिख रहा है। मैं आगे जाके दिखाता हूँ। गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मैं डोंगरी के राजा के वहाँ पे हूँ, और ऊपर जो गणपति का मूर्ति है वो कवर अप हो रहा है। और जितना भाई लोगों ने बोला उतना ही मैं करूंगा, मुझे मतलब कुछ चीजें नहीं दिखाने को बोली है, वो वीडियो क्लिप में कट कर दूंगा, और जितना मैं आपको दिखाया है वो उतना ही दिखा सकता हूँ, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ पे डेकोरेशन का काम चल रहा है, और पहले परमिशन नहीं दे रहे थे, बाद में दे दिया, तो अच्छा लगा कि मुझे परमिशन दिया यहाँ पे अंदर आके ब्लॉग बनाने के लिए। और ये मंडप के अंदर ब्लॉग, मतलब मंडप के अंदर ही गणपति बन रहा है, तो आपको बाहर से पता नहीं चलेगा कि डोंगरी का राजा अंदर बन रहा है, बट आप किसी को भी पूछोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अंदर डोंगरी का राजा बन रहा है बोल के। और फाइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा के सामने कदमों के वहीं पे मैं खड़े होकर ब्लॉग कर रहा हूँ। दिल को बहुत अच्छा लग रहा है कि पापा के कदमों के वहाँ पे हूँ, तो पापा के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। मैं गणपति बप्पा का बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्योंकि मेरा खुद का नाम मोरिया है और गणपति बप्पा भी मोरिया, आप लोगों को पता ही होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है, चेहरे पे स्माइल देख के भी समझ गए होंगे कितना अच्छा लग रहा है पापा कदमों के वहाँ पे आके ब्लॉग करने के लिए। तो यहाँ पे वर्क वगैरह चालू है डोंगरी के राजा के बनाने के लिए, और गणपति तो तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ी बहुत सजावट वगैरह बाकी, जो भाई लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब लोग देख सकते हैं। और ये एक मंडप के अंदर है, बहुत आपको पता ही नहीं चलेगा अगर आप यहाँ पे आओगे तो, किसी को अगर यहाँ पे आना है तो पूछताछ के यहाँ पे आओगे तो ही आप यहाँ पे आओगे, वरना कोने में है पता नहीं चलेगा। एंड देन यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अंदर गया था, और जितना मैं अंदर एक्सप्लोर कर पाया, भाई लोग ने मुझे किसी चीज कौन सा क्लिप एडिट करने के लिए बोला है, जो क्लिप मैं शायद आप लोगों को ना दिखा पाऊँ या तो दिखा दूँ। मुझे अभी वीडियो भी थोड़ा लेट अपलोड करने के लिए बोला, क्योंकि इतना तैयारी नहीं हुआ था, तो मुझे बोला है कि थोड़ा लेट अपलोड करना वीडियो को। और जितना मुझे बोला है कि ये वीडियो क्लिप आपको जो मुझे कट करने बोला है वो मैं कट कर लूंगा, क्योंकि जितना परमिशन था, जितना अलाउ किया था, मैं उतना ही ब्लॉग अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, उससे ज्यादा करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। तो जितना मैं हो सके उतना दिखा दिया। अंदर देख सकते हो मैं अंदर गया था, उतना जगह नहीं था अंदर जाके ब्लॉग करने का, एंड गणपति बापा का मूर्ति भी इतना अच्छे से मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया।
बस थोड़ा सिनेमेटिक्स वगैरह लिया एंड थोड़ा दिखाया यहाँ वहाँ से, चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा था जितना आप लोगों को दिखा सकूं मैं। और आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया होगा डोंगरी के राजा को कि कितना सजावट हुआ है। अभी भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, आप लोगों ने जैसे कि देखा ही होगा सब लोग खंभे पे चढ़ चढ़ के वहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं पापा के पैर के वहाँ पे खड़े होकर ब्लॉग कर रहा था। मेरे बोलते ना आज तो मेरे भाग्य खुल गए थे। और गणपति अप्पा मोरिया और आपने कहा मेरा नाम भी अभिषेक मोरिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गणपति का फेस्टिवल। और तभी मैं सभी गणपति अप्पा की वीडियो को कवर कर रहा हूँ इस बार, ताकि मेरे चैनल पे होना चाहिए पापा की मूर्ति की वीडियो। और आप लोग बताना कि डोंगरी से कितने लोगों ने ब्लॉग देखा, कमेंट करना। और आपका ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताना, ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया पर जितना भी हो सका था मैंने दिखा दिया। तो गाइज आज का वीडियो बस यहीं तक था, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना। गाइज मिलता ही आपसे ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक